हेलो एवरीवन, दिस इज राजेश। वेलकम सी यू इन दिस वीडियो। आज हम लोग आरसीसी स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर यानी कि आरसीसी आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आज सबसे पहले आज का जो ये वीडियो है उसमें हम लोग आरसीसी में क्या क्या पढ़ना है हमें आगे, ठीक है, क्या क्या हमें पढ़ना है उसको देखेंगे और उसका जो सिलेबस है हमारा उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर पढ़ना है, देखिए यहाँ से टोटल 7 टॉपिक्स है, ऐसे 7 टॉपिक्स हैं टोटल। और इस 7 टॉपिक्स में हमको एक एक करके हमें पढ़ना होगा सबके बारे में। जैसे फर्स्ट है आपको इंट्रोडक्शन, जैसे कि आपको दिखा होगा फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि जो कंक्रीट होता है, कंक्रीट कौन कौन से कंक्रीट होते हैं, कैसे हम लोग कंक्रीट बनाते हैं, फिर आरसीसी क्या होता है, फिर उसके बाद कुछ कोडल प्रोविजंस हैं उसको देखेंगे, मिक्सिंग कैसे करते हैं उसको देखेंगे, फिर ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीट ग्रेड को हम लोग कैसे बताते हैं वो बात करेंगे, और कैसे उसको किस तरीके से कंक्रीट का ग्रेड हम पता करते हैं, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद कुछ डिजाइन फिलोसफी है वो सब हम लोग इस पर इंट्रोडक्शन करने पड़ेंगे। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा, प्रोबेबली कल ही इसका वीडियो आ जाएगा। तो इंट्रोडक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप लोग कभी भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर आरसीसी के सारे जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट होते हैं सब इसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन के अंदर आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जैसे वर्किंग स्ट्रेस, उसके बाद हम लोग सेकेंड में वर्किंग स्ट्रेस पढ़ेंगे। तो वर्किंग स्ट्रेस में हम लोग पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट कुछ कोई कोई टर्म होते हैं वो सब सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद एजम्पशंस हैं, उसके अंदर कुछ वर्किंग स्ट्रेस मेथड के कुछ एजम्पशंस हैं उसको देखेंगे, और इसका ड्रॉबैक्स भी है कुछ, ठीक है। तो इसके अंदर WSN के कुछ ड्रॉबैक्स है उसको भी देखेंगे, सिंगली रेनफोर्स डबली रेनफोर्स का बीम का एनालिसिस करेंगे, और उसका डिजाइन स्टेप्स भी हम लोग देखेंगे, और उसको एक क्वेश्चन के थ्रू डिजाइन स्टेप्स को अप्लाई करके और वहाँ पे आपको दिखाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करके, ठीक है। और बाकी जो भी होगा एक एक करके हम लोग सब कुछ IS कोड को फॉलो करते हुए हम लोग सब काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जैसे TBM LBM जो फ्लैश्ड बीम होता है वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है लिमिट स्ट्रेस मेथड। तो लिमिट, ये जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है वो ट्रेडिशनल मेथड हो गया, अब उसको यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्स में इसको सिलेबस में रखा गया है, तो इसीलिए हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आता है LSM यानी कि लिमिट स्ट्रेस मेथड। तो लिमिट स्टेट मेथड में भी सेम इंपॉर्टेंट कोई जो टर्म होगा उसको देखेंगे, फिर एजम्पशंस है वो देखेंगे, LSM और WSM को कंपेयर करेंगे दोनों में का कंपैरिजन हम लोग करेंगे अच्छे से, और उसके बाद एनालिसिस करेंगे सिंगली डबली रेनफोर्स्ड का, फिर डिजाइन करेंगे, सब हम लोग एक एक करके करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है सीयर, ठीक है। तो सीयर भी हम लोग देखेंगे, सीयर में कितने टाइप के सीयर होते हैं और फेलियर क्या है, और कुछ होमोजीनियस सेक्शन नॉन होमोजीनियस सेक्शन, IS कोड का कुछ रिकमेंडेशन होता है वो सब हम लोग देखेंगे, मिनिमम सीयर में मिनिमम एनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, सीयर एनफोर्समेंट का डिजाइन कैसे करते हैं, ये सब हम लोग एक एक करके इसके अंदर देखेंगे। और स्टेप डिजाइन स्टेप्स जो है वो तो देखेंगे, क्योंकि हमें डिजाइन करना है तो उसके लिए डिजाइन स्टेप्स भी हमें देखना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आता है बॉन्ड और डेवलपमेंट लेंथ जो होता है इसके अंदर निकालते हैं, डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है। तो बॉन्ड का भी यूज करेंगे, एक होता है इनक्रेज एक बॉन्ड, फिर डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस माइल्ड स्टील के लिए हम लोग निकालेंगे, फिर डेवलपमेंट लेंथ भी निकालेंगे, और एंकरिंग भी वहाँ पे एनफोर्समेंट बढ़ता करेंगे, ठीक है। उसके बाद टॉर्सन भी हम लोग पढ़ेंगे, टॉर्सन में प्योर टॉर्सन होता है, फिर होता है अगर हमारा बेंडिंग कोई बीम है एक, और वो बेंडिंग मोमेंट भी उस पर, बेंडिंग मोमेंट क्यों लगता है, कोई अगर एक्सटर्नल लोड उस पर लेटरल लोड लग रहा है तो उसके कारण बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा, प्लस टॉर्सनल मोमेंट भी अगर वहाँ पे लग रहा है तो उसके कारण क्या इफेक्ट आएगा उस बीम पे वो भी देखेंगे, और उसके बाद साइड फेस पे एनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं उसका भी इफेक्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया टॉर्सन के बाद, और उसके बाद हम लोग ये सीयर बॉन्ड टॉर्सन हो गया, और उसके बाद हम लोग जाएंगे स्लैब में। स्लैब में जो है, स्लैब में हम लोग उसका IS कोड का कुछ रिकमेंडेशन होगा वो भी हम देखेंगे, फिर वन वे स्लैब टू वे स्लैब मेनली दो टाइप के स्लैब होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों को भी हम लोग पढ़ेंगे, फिर इफेक्टिव स्पैन होता है, डेप्थ होता है, फिर उसके बाद बहुत सारे डिजाइन स्टेप्स भी होता है, हम लोग उसका डिजाइन स्टेप्स भी देखेंगे क्या है डिजाइन स्टेप्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग उसके बाद कॉलम में जाएंगे, कॉलम में भी टाइप्स ऑफ कॉलम कोड का रिकमेंडेशन, इफेक्टिव लेंथ उसका कैसे निकालते हैं, मिनिमम सेंट्रिसिटी उसमें प्रोवाइड कितना होना चाहिए, ये सब, और उसका डिजाइन स्टेप्स क्या होगा, ये सब हम लोग एक करके देखेंगे। फिर जाएंगे फुटिंग में, ठीक है, कॉलम हो गया, फिर फुटिंग में जाएंगे। फुटिंग हमारा आरसीसी का लास्ट टॉपिक होगा, और उसमें हम लोग डिजाइन क्राइटेरिया, क्रिटिकल सेक्शन, डिजाइन स्टेप्स और भी जो भी टर्म होंगे वो सब हम लोग एक करके देखेंगे, ठीक है। तो ये एक एक सीरीज आएगा हमारा, एक आरसीसी का एक सीरीज बनेगा जिसपे जिसके अंदर हम लोग सारे टॉपिक को लगभग जितने भी एग्जाम में आएंगे वो, जैसे ये देखिए ये जो है आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब किया कीजिए, तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।